ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो जो है ना बस कंप्लीट वॉच कर लेना एंड आपको मैं सिखाऊंगा कि गाइस आपको मतलब कैसे एडिट करना है, आपको एकदम इजी स्टेप में सिखाऊंगा। तो आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखना, बाकी आप जो है मतलब एडिटिंग करोगे तो आपको एकदम इजी स्टेप में आप एकदम कर पाओगे, ठीक है? तो बाकी गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो यार इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? एंड इसको डाउनलोड करने के बाद जो है आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से गाइस चले जाना है ऐड फोटो में, ठीक है? ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड जो मॉडल होगा गाइस आपका, वो आपको पोज मतलब आप कैसा भी रख सकते हो, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट आप सभी को पोज ऐसा करना है कि जो आपके जो यहाँ पे गाड़ी के पास खड़ा हो जाए, ठीक है? जैसे गाइस मेरे यहाँ पे जो मॉडल है इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह कम है, तो मैं इसको एडजस्ट में से बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? इतना हो जाने के बाद जो हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया, ठीक है? तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको डन। एंड उसके बाद जो हम इसके यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस तरीके से यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा अभी जो हमारे पे कुछ गन वन जो है वो हाइड हो गए, ठीक है, मॉडल की वजह से। तो उसको ऊपर की साइड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप इरेज कर सकते हो या फिर आप इसमें और भी कुछ कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे पहले तो गाइस देखिए हमने इस पर शेडो बना लेता है, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको उसके लिए क्या करना है, ठीक है? गन को जो आपको फ्रंट पे लाने के लिए, तो यहाँ से हम बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम ब्लैक कलर का जो पीएनजी इसको लेंगे। एंड इसको लेने के बाद जो है गाइस हम क्या करेंगे, इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे कुछ इस टाइप से। एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज इंक्रीज कर देंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। एंड फोटो को जूम करने के बाद जो हम कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है गाइस, इस तरीके से। एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे इस तरीके से शेडो बना लेंगे एंड इसको डन करेंगे। एंड इसको जो है हम मूव डाउन कर देंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है? इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन है उसको ले जाके एंड इसको मूव डाउन करके एंड जो ओपेसिटी वगैरह उसको कम कर लेंगे। देन हम इसको यहाँ पे जो है सिंपली डन कर देंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो आप सभी को ऐड फोटो में जाना है एंड गाइस जो गन है आपको उसको फ्रंट में लाने के लिए आपको एक गन का पीएनजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है आपको? तो उसको आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से जो आपको देखना है, इसको साइज जो आपको अपने हिसाब से फिट करना है, ठीक है? इस तरीके से मतलब कि जो गन जहाँ पे उसी तरीके से आपको उसको फिट करना है। फिर उसका जो साइड वाले जो गन होंगे उसको आपको इरेज करना है इरेजर टूल में जाके, वो वाला नहीं रखना। अगर आप दोनों को रखोगे तो गाइस मतलब बेकार लगेगा, तो साइड का जो रिमूव कर लेना आप सभी को, ठीक है? इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को गाइस फिर क्या करना है, आपको सिंपली अपनी फोटो को यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद जो आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो है जो लाइट वगैरह लेजर लाइट होती है जो गन के अंदर, उसका पीएनजी जो होगा आपको उसको ले लेना है, ठीक है? आपको दो तीन तरीके के जो पीएनजी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को उसको डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको उसको क्या करना है, आपको उसको ऐड करने के बाद आपको स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड इसके बाद जो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे आपको बॉडी की तरफ लगाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है? जो कि मतलब गन में से जो लेजर लाइट निकल रही है। फिर आपको उसको डुप्लीकेट करके इसको रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद जो आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे रख देना है इस तरीके से। एंड उसके बाद जो आप सभी को इसका एक और डुप्लीकेट बना देना है, तो हम इसको एक को यहाँ रख लेते हैं। एंड उसके बाद जो हम इसका एक डुप्लीकेट और बना लेंगे जो कि हम इस साइड पे रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इतना जाने के बाद जो हम इसका एक और डुप्लीकेट बना लेंगे। एंड दूसरा डुप्लीकेट बना के जो मतलब आप यहाँ पे दो या तीन रख सकते हो, ठीक है? तीन से चार भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा कुछ करना कि कम से कम ही हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद जो इतना हो जाएगा तब आप सभी को क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फोटो को जो है डन कर देना है। एंड डन कर देने के बाद जो आप सभी को अभी यहाँ पे एक स्मोक का पीएनजी ऐड करना है, तो उसके लिए करना है आप सभी को जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको स्मोक का पीएनजी मिल जाएगा, आपको उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लगाना है, ठीक है, ज़्यादा जूम करें ताकि जो आपकी बॉडी तक आए स्मोक, अब यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है? तो अब इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को सिंपली अपनी फोटो यहाँ पर डन कर लेना है। अब बात आती है यहाँ पर टेक्स्ट पीएनजी की, तो उसके लिए आप सभी को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जहाँ पे पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट का, यहाँ पे हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है, ठीक है? तो आपको उसको इस तरीके से स्क्रीन करके मतलब स्क्रीन करके बड़ा करके स्क्रीन पे एंड इसको जिस टाइप से ऐड कर देना है एंड उसको ऐड कर देना आपको डन। अब गाइस हमारे यहाँ पे देखिए पिक्सआर्ट वगैरह का जितना भी काम था हमारे यहाँ पे हो चुका है, तो अब हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव एंड इसको लाइट रूम में रीटच करके और भी मस्त बना देते हैं। तो अभी हम इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं एंड इसको हमने सेव कर लिया। अब लाइट रूम आपको ओपन करते हैं, लाइटर में आपको ओपन कर लिया हमने यहाँ पे और फोटो को हमने पहले से ऐड कर रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसका ऑटो वाला जो ऑप्शन होता है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अगर एडजस्टमेंट ठीक लगे तो ठीक है, वरना आप चेंजेस कर लेना। बाकी आपको कलर्स में जाके मिक्स में जाके ऑरेंज कलर सेलेक्ट करके ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड उसके बाद जो रेड कलर लेना है उसका भी ह्यू आपको थोड़ा सा माइनस की तरह एंड सैचुरेशन प्लस। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को यहाँ से चले जाना है येलो कलर में, आपको उसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस करना है
एंड उसके बाद जो आपको डार्क ब्लू है इसका ह्यू, जो अगर आप चाहे इसका स्काई ब्लू तो कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ एंड सैचुरेशन भी प्लस कर रहा हूँ, तो अभी मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ डन। ठीक है गाइस, तो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, फोटो में विग्नेट डाल देना है एंड इसके नीचे स्क्रॉल करना है आप सभी को। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोट रोक्शन आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपकी कलर नोट रोक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलो मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।